हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग किस तरह से स्टडी की जाती है, इनकी रीड की जाती है, इनकी इसको पढ़ा कैसे जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ मेरे पास ये तीन ड्राइंग्स हैं। आप ये देख सकते हैं, ये ड्राइंग है जो VFD ड्राइव यानी कि एक VFD पैनल है, उसकी एक फीडर की ड्राइंग है। ये इसका पावर है, पावर किस तरह से थ्री फेज मोटर तक पहुंचा रखी है, मोटर है, ये चेंज ओवर है, ये ड्राइव है, किस तरह से है, और ये इसका कंट्रोल सर्किट है, और ये कुछ TBs हैं यानी कि टर्मिनल ब्लॉक हैं फीडबैक के लिए, या फिर AIO स्पीड रेफरेंस के लिए, स्टार्ट स्टॉप के लिए, फील्ड के लिए, DCS के लिए, तो ये यहाँ से है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से इसको स्टडी किया जाता है। ठीक है, मेरे पास ये तीन ड्राइंग है। ये एक ड्यूअल स्टार्टर की है, ठीक है, इसका ये पावर डायग्राम है, ये कंट्रोल और ये टर्मिनल ब्लॉक, ठीक है, और एक ये है रिवर्स फॉरवर्ड RDOL रिवर्स ड्यूअल स्टार्टर। तो इनमें से मैं आपको ये DOL स्टार्टर जो है इसका इसके बारे में पढ़ के बताऊंगा। आने वाली वीडियो में मैं और भी जो ST पैनल होते हैं, LT पैनल होते हैं, उनकी भी ड्राइंग आपको बताऊंगा किस तरह से पढ़ी जाती है। तो एक मैं एक सिंपल सा डायग्राम है ये DOL स्टार्टर का, इसको किस तरह से स्टडी करना है वो आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, इनको स्टडी करने से पहले आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मेरे पास एक ड्राइंग की बुक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग इसकी बुक है, इसके अंदर जो पहला चैप्टर है, ये देख सकते हैं आप, पहला चैप्टर है इसका ये कन्वेंशनल सिंबल। तो इन्होंने भी इस बात से समझ सकते हैं आप कि पहला चैप्टर ये हमारा सिंबल्स का है, यानी कहने का मतलब है अगर आपको सिंबल का पता लग गया अच्छे से और समझ में आ गया कि कौन सा सिंबल कहाँ पे यूज होगा, तो आप इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग इजीली और आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग की बुक थी। तो यहाँ पे आपको सिर्फ सिंबल्स का पता होना बहुत ही ज़रूरी है, किस तरह से इसको कौन सा सिंबल कहाँ पे यूज़ होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो के प्रति कोई भी सवाल या सुझाव आता है या पता नहीं लगता आपको क्या कौन सा कैसे समझ में आएगा, तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हमें और हम भी बता भी सकते हैं। ठीक है, अगर आपको और ड्राइंग पढ़नी है तो आप नीचे कमेंट करके वहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा सबसे पहले आता है पावर वायरिंग डायग्राम। मैं DOL स्टार्टर की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। इसके अंदर आपको ये नीचे देखने को मिल जाएंगे फीडर, ये काफ़ी सारे हैं। इनका कहने का मतलब है जितने भी ये फीडर हैं उनमें सिर्फ यही स्टार्टर यूज़ किया हुआ है, जितने भी ये फीडर हैं। आपको ये अपने अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग नाम से आइडेंटिफिकेशन से इसको मिल सकता है, ठीक है, वो इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट डालती है, उन्हीं के नाम से इनको ये मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो ऊपर RYB और N ये है, ये बस बार होती है फ्रेंड्स, थ्री फेज विद न्यूट्रल बस बार है ये, और मोटर के लिए सिर्फ तीन फेज की जरूरत है, इसलिए यहाँ पे तीन फेज उठा लिए हैं। और जैसे कि मोटर की करंट रेटिंग के अकॉर्डिंग आप MCCB या फिर MCB लगा सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने MCCB या फिर MCCB का दोनों का ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद ये जो इनके दूसरे टर्मिनल है वो आगे सी मतलब फ्रेंड्स एक कॉन्टेक्टर है, जो पावर कॉन्टेक्टर है, मोटर को ऑन ऑफ करेगा, ठीक है। उसके बाद कॉन्टेक्टर के इनपुट सप्लाई में आ जाएगा 11, 12 और 13 ये। उसके बाद जो 11 से 14 नंबर में आ जाएगी, 12 से 15 और 13 से 16 नंबर में आ जाएगी ये सप्लाई, ठीक है। उसके बाद ये फ्रेंड्स OL, आप ये देख सकते हैं OL यानी कि ओवरलोड रिले लगती है, जो उसके अंदर सप्लाई आ जाएगी, 14, 15 और 16 नंबर टर्मिनल में आ जाएगी, ठीक है, इनके इनपुट टर्मिनल में कनेक्ट हो जाएगी। उसके बाद जो इसके आउटपुट टर्मिनल निकलेंगे फ्रेंड्स 17 और 18 और 19 नंबर, वो हमारी मोटर के लिए चले जाएंगे केबल के थ्रू, ठीक है, वो हमारे मोटर के अंदर कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये था इसका पावर डायग्राम, इस तरह से आप इसको पावर को स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स सबसे ये आता है कंट्रोल डायग्राम, ठीक है, कंट्रोल सप्लाई हमारी 220 वोल्टेज है। आप हम यहाँ से इसको लेके चलेंगे, रेड फेज यहाँ पे ले रखा है हमने और ये न्यूट्रल है, ठीक है। तो हम जो हमारा 30 नंबर है फ्रेंड्स, 30 नंबर है और हमारा कॉन्टेक्टर कौन सा था, सी यानी कि ये वाला कंडक्टर है, इसको हमने होल्ड करवाना है इसको मोटर को ऑन करने के लिए, यानी कि 37 में हमें सप्लाई लेके आनी है, 30 नंबर और 37 को हमने एक करके दिखाना है तभी जाके ये होल्ड होगा। तो उसको हम किस तरह से इसको देखेंगे, ये यहाँ पे MCB लगा दी एक 2 एम्पियर की अकॉर्डिंग टू अपने लोड, जो कंट्रोल का लोड है उसके अकॉर्डिंग 30 नंबर में सप्लाई आ गई। 30 नंबर में आने के बाद फ्रेंड्स ये जो एक रिमोट स्टॉप लिखा हुआ है, ये रिमोट में जो होगा उसका स्टॉप बटन होगा वो है ये NC, ठीक है। उसके बाद ये 30 से 31 में आ गई सप्लाई, 31 हमारा लोकल स्टॉप है, जो लोकल पॉइंट होता है वहाँ पे स्टॉप बटन होता है वो है ये।
31 से 32 में आ गई। 32 के बाद फ्रेंड्स ये OLR ओवरलोड रिले के बाद ये फ्रेंड्स NC पॉइंट से निकलने के बाद ये 33 बन गया, 33 तक पहुंच गया। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे एक के नंबर, यहाँ पे ये एक कॉन्टेक्टर लगा हुआ है के, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कॉन्टेक्टर के, ये आप देख सकते हैं ये कॉन्टेक्टर है और ये के है। ये किसके लिए है? ये लोकल परमिसिव फ्रॉम DCS, जब DCS से हम परमिशन दे देंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा, यानी कि इसके कॉन्टेक्ट चेंज हो जाएंगे। लेकिन अभी ये नॉर्मल पोजिशन पर क्या है, इधर सप्लाई भेज रहा है ये, ठीक है, यानी कि 38 नंबर में सप्लाई भेजने के बाद ये फ्रेंड्स ये आता है हमारा फ्रॉम DCS मोटर रन, यानी कि कहने का मतलब DCS से हम मोटर को रन की कमांड यहाँ से देंगे, ठीक है। आपके पास DCS हो सकता है, HMI हो सकती है, PLC, SCADA, कुछ भी हो सकता है, उसको आप यहाँ से परमिशन देंगे कि यहाँ से मोटर को रन करना है, तो ये यहाँ से सप्लाई मिलती है 38 से होते हुए, ये कॉन्टैक्ट NC हो जाएगा और ये NC होने के बाद 37 में चली जाएगी और ये हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। इस तरह से ये सप्लाई यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। ये तो था इसका DCS से ऑन ऑफ करने का। अगर हमें लोकल और रिमोट में स्टार्ट स्टॉप करना है, यानी कि पुश बटन से स्टार्ट स्टॉप करना है, तो क्या करना पड़ेगा, ये जो कॉन्टेक्टर है इसको ऑन करना पड़ेगा, वो हमें DCS या PLC, HMI कुछ कहीं से भी हम इसको ऑन कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको परमिशन करेंगे तो ये होल्ड हो जाएगा, होल्ड होने के बाद ये जो कॉन्टेक्टर के है इसको परमिशन मिल जाएगी, यानी इसके कॉन्टेक्ट चेंज हो जाएंगे, जो NO है वो NC हो जाएगा और जो NC है वो NO हो जाएगा। कहने का मतलब 33 से 34 को सप्लाई मिल जाएगी, ठीक है, के होल्ड होने के बाद 34 में सप्लाई आ गई। उसके बाद ये हमारे पास एक लोकल और रिमोट, यानी कि ये सिलेक्टर स्विच लगा हुआ है फ्रेंड्स, एक इनपुट है और दो आउटपुट है। अगर हमें लोकल में चलाना है तो इसको लोकल की साइड सेलेक्ट करेंगे, 34 से ये चला जाएगा 35 में, ठीक है। 35 में जाने के बाद फ्रेंड्स ये यहाँ से यहाँ पे आके रुक गई और ये यहाँ पे आके रुक गई सप्लाई, ऐसे ही ये ऑन पुश बटन है ये, इसको हम जैसे प्रेस करेंगे तो ये सप्लाई यहाँ से प्रेस होते ही ये 37 में चली जाएगी और ये कॉन्टेक्टर सी है ये ऑन हो जाएगा। और इसको जैसे ही हम मतलब कि ये ऑन होगा, ऑन होते ही इसका जो ऑन NO पॉइंट है वो NC हो जाएगा, इसको सप्लाई यहाँ से मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, इसको हम छोड़ देंगे, फिर छोड़ने के बाद इसको सप्लाई ये यहाँ से मिलती रहेगी, ठीक है। और हमें अगर रिमोट में करना है तो इसको हम रिमोट में करके ये 34 से 36 में सप्लाई चली जाएगी और इसी तरह से ऑन पुश बटन दबाएंगे, जो रिमोट वाला ऑन पुश बटन है उसको दबाएंगे तो ये होल्ड हो जाएगा, होल्ड होने के बाद ये कॉन्टेक्टर सी का ये होल्ड हो जाएगा और इसको हम इसको छोड़ देंगे तो ये सप्लाई इस तरह से यहाँ से मिलती रहेगी, ठीक है। और फ्रेंड्स उसके बाद ये बारी आती है ये जो सी कॉन्टेक्टर सी और एक ये इंडिकेटर, ये कॉन्टेक्टर सी है और ये इंडिकेटर है फ्रेंड्स। जब कॉन्टेक्टर ये सी वाला लग जाएगा तो ये NC बन जाएगा, यानी कि जो इसका ये है सप्लाई कॉन्टेक्ट NC हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, क्लोज होने के बाद ये इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो गया, यानी कि मोटर हमारी ऑन हो गई है, ऑन इंडिकेटर है ये, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स ये आती है OLR ओवरलोड रिले से एक ये इस तरह से रिले में आ गई, यानी कि जब ये रिले ट्रिप हो जाएगी, मोटर मान लो ओवरलोड चल रही है, ओवरलोड होती है मोटर ट्रिप हो जाएगी तो इधर का सर्किट बंद हो जाएगा तो इधर का चल जाएगा, ये रिले ऑपरेट हो जाएगी एक आर रिले ऑपरेट होने के बाद। और इसके साथ में एक पैरेलल में एक इंडिकेटर है, इंडिकेटर भी ऑन हो जाएगा कि हमारी मोटर ट्रिप हो गई है, ठीक है, ट्रिप का इंडिकेटर भी आ जाएगा और एक रिले हो जाएगी। रिले इसलिए यूज करते हैं फ्रेंड्स, अगर मान लो हमें DCS पे कहीं पे फीडबैक लेनी है, HMI पे फीडबैक लेनी है देखने के लिए कि हमारी मोटर क्या हुआ, तो वो यहाँ पे इससे हम फीडबैक ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कंट्रोल को डायग्राम को पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स उसके बाद आती है हमारी टर्मिनल ब्लॉक, तो आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आर हमारा ये वाला था रिले, तो जब ये रिले एक्टिव हो जाएगी तो ये आर है जो NC हो जाएगा। NC होने के बाद DCS में जो DCS हमारा जो डिस्प्ले है जहाँ पर हम देख रहे हैं वहाँ पे पता लग जाएगा कि हमारी मोटर ट्रिप हो चुकी है, ठीक है। और जो ये सेकंड टर्मिनल है 3 और 4 नंबर 52 53 है जो ये कॉन्टेक्ट है ये सी है, सी से मिलेंगे, यानी कि कॉन्टेक्टर हमारा जब ऑन हो जाएगा तो मोटर को ये DCS में पता लग जाएगी मोटर हमारी रनिंग में चल रही है, ठीक है। उसके बाद रन फ्रॉम DCS, DCS है, HMI है, PLC है, वहां से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहां से बताया था ये फ्रॉम DCS मोटर रन, ये क्लिक होगा, जब ये क्लिक हो जाएगा तो ये ऑन हो जाएगा यहां से, ठीक है, इस तरह से। और ये है फ्रॉम DCS लोकल परमिसिव, यहां से हम इसको क्लिक करेंगे DCS से, यानी कि NC करेंगे, तब ये जो कॉन्टेक्ट है ये मिल जाएगा और ये हमारा ऑन हो जाएगा, मैंने आपको जैसे पहले बताया था, ठीक है।
तो ये इसके टर्मिनल ब्लॉक है डीसीएस से कंट्रोल करने के लिए, फीडबैक लेने के लिए, और ये इसका कंट्रोल है और ये इसका पावर है। अगर फ्रेंड्स अभी भी आपको कोई डाउट है, कोई सवाल, कोई सुझाव है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं हमसे, या फिर आपको कोई अलग डायग्राम पढ़ना है तो आप हमें नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ये हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना फ्रेंड्स अपने दोस्तों में। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, देखते रहिए सीखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल वाईके इलेक्ट्रिकल। जय हिंद, वंदे मातरम।